हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू साइबर राइड। मैं हूं आपका फ्रेंड शिवम और आज इस वीडियो में मैं आपको विंडोज 10 और विंडोज 11 का पासवर्ड रीसेट करना बताऊंगा। इससे पहले की वीडियोस में भी मैं पासवर्ड को रीसेट करना बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। बट उस वीडियो में मैंने जो ट्रिक बताई थी उसमें आपको एक USB फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आप इसमें बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और बिना किसी पेन ड्राइव के कंप्यूटर के पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपनी लॉगिन स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लास्ट टाइम पर याद है, 1234। जब हम इस पासवर्ड को एंटर कर रहे हैं तो ये इनकरेक्ट हमें आ रहा है। अब हो सकता है कि डेस्कटॉप पे आपके कई सारे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हों या फाइल्स मौजूद हों जिस कारण से आप अपने कंप्यूटर को रीसेट या फॉर्मेट नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर आप दोस्तों कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो में बताए गए कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपने पासवर्ड को रीसेट करने के लिए आपको शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है। इसके बाद ये पावर बटन पे आपको क्लिक करना है, बट मेक श्योर कर लें कि आपने अभी भी शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखा है, आपको शिफ्ट बटन को अभी नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा बट आपको फिर भी पावर बटन को होल्ड करके रखना है। अब यहाँ पे प्लीज़ वेट लिखा आ रहा है, अब आप शिफ्ट बटन को छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जाना है आपको ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे, इसके बाद जाना है आपको एडवांस ऑप्शन में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट का, आप यहाँ पे जाइए। इसके बाद ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सर्च करना है नोटपैड, आप नोटपैड लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसके बाद जाना है आपको फाइल वाले ऑप्शन पे और आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए सेव अस। इसके बाद ये पॉपअप आ जाएगा। इसके बाद आप मेक श्योर कर लें आपके पास सिस्टम में सिस्टम 32 वाला फोल्डर ओपन रहना चाहिए। अगर ये ओपन नहीं है तो आप इस फोल्डर को ब्राउज कर सकते हैं, जिसके लिए आप जाएंगे कंप्यूटर में। इसके बाद आप ये वाली ड्राइव देखिए जिसमें विंडोज़ का फोल्डर है, मेरे केस में ये डी ड्राइव के अंदर है, तो हम डी ड्राइव में आके विंडोज़ वाले फोल्डर को ओपन करते हैं। इसके बाद आपको जाना है सिस्टम 32 में, तो हमें यहाँ पे ये सिस्टम 32 का फोल्डर मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेव अस टाइप में टेक्स्ट की जगह पे ऑल फाइल को सिलेक्ट कर देना है, जिससे कि सारी फाइल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको एक फाइल सर्च करनी है यूटिलमैन, आप टाइप कीजिए UTIL। अब दोस्तों ये आपको बिना रुके करना है। अब यहाँ पे मुझे यूटिलमैन की एक फाइल मिल चुकी है, अब हम इसे रीनेम करेंगे। रीनेम करने के लिए आप F2 शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके रीनेम वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अब आप जो यूटिलमैन लिखा है आप इसे कॉपी कर लीजिए और इसके बाद यूटिलमैन के आगे कोई भी नंबर ऐड कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 टाइप कर रहा हूँ। इसके बाद हम एंटर करते हैं। अभी यहाँ पे हमने 1 टाइप कर दिया है बट यहाँ पे अभी भी ये शो नहीं हो रहा है। अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये शो होने लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आगे 1 आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको एक और फाइल सर्च करनी है CMD, आप टाइप कीजिए CMD। यहाँ पे ये CMD आ चुका है। आप CMD को रीनेम करेंगे और इसे रिप्लेस कर देंगे यूटिलमैन से, जो नाम हमने अभी कॉपी किया है, तो हम इस नाम को पेस्ट कर देते हैं और CMD की जगह यहाँ पे लिख दिया है हमने यूटिलमैन। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, इसे भी हम क्लोज कर देते हैं, अगेन इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। हम अपने PC को टर्न ऑफ करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को पावर ऑन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे अभी भी पासवर्ड आ रहा है। अब जैसे ही आप एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी है। अब दोस्तों आपको ये कमांड टाइप करनी है कंट्रोल यूज़र पासवर्ड 2। अब दोस्तों जैसे ही आप ये कमांड लिख के एंटर करेंगे
यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे अपना यूज़र अकाउंट मिल जाएगा। आप यहाँ से अपना पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। हम रीसेट पासवर्ड पे जाते हैं। यहाँ पे हमें नया पासवर्ड लिखने के लिए आ चुका है। हम अपना पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंटर कर देता हूँ। अगेन हमें न्यू पासवर्ड एंटर करना है, देन अगेन ओके। अब हम इसे क्लोज करते हैं और अपना नया पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। मैं आपको शो करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 टाइप किया है। अब दोस्तों हम कंप्यूटर में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।